पहले से काम कर रहे 3,79,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग पर हो रहे संग्राम के बीच 10 दिन पहले नीतीश कुमार ने 70 महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद नीतीश तो चुप रहे, लेकिन कांग्रेस से लेकर वाम दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। इन नेताओं का कहना था नीतीश जी बहुत पॉजिटिव हैं और जल्द ही शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 अगस्त को नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का ऐलान करेंगे, लेकिन सारे कयास फेल हो गए। नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में अपने भाषण में नियोजित शिक्षकों का जिक्र किया। सीएम नीतीश ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को जहां 4,000 वेतन मिलता था उसे अब 40,000 तक पहुंचाया जाएगा। अब उनके लिए और भी अच्छा करने का सोच रहे हैं। पहले जो बीपीएससी से नई बहाली हो रही है उसे हो जाने दीजिए, उसके बाद पहले से नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा फैसला लेंगे। नीतीश कुमार के भाषण से एक बात तो साफ हो गई कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलने दिया। बिहार में पहले से काम कर रहे 3,79,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग पर हो रहे संग्राम के बीच 10 दिन पहले नीतीश कुमार ने 70 महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद नीतीश तो चुप रहे, लेकिन कांग्रेस से लेकर वाम दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे। इन नेताओं का कहना था कि नीतीश जी बहुत पॉजिटिव हैं और जल्द ही शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 अगस्त को नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का ऐलान करेंगे, लेकिन सारे कयास फेल हो गए। नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में अपने भाषण में नियोजित शिक्षकों का जिक्र किया, तो आइए जानते हैं कि जिक्र में उन्होंने क्या कही। सीएम नीतीश ने कहा नियोजित शिक्षकों को 4,000 जहां वेतन मिलता था अब उन्हें 40,000 वेतन दिया जाएगा। उनके लिए और भी अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। पहले जो बीपीएससी से नई बहाली हो रही है उसे हो जाने दीजिए, उसके बाद पहले से नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा फैसला लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भाषण से एक बात तो साफ हो कर दी कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलने वाला है। राज्य सरकार उनके मानदेय में वृद्धि जैसे कुछ ऐलान कर सकती है। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जब राज्य कर्मी के दर्जा के लिए आंदोलन शुरू किया तो महागठबंधन में शामिल वाम दलों के नेताओं ने उनका नेतृत्व हथिया लिया। माले के विधायक संदीप सौरभ नियोजित शिक्षकों के नेता बन गए, वहीं सीपीआई के नेता भी शिक्षकों के नेता बने। वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने ये दावा कर दिया कि नीतीश कुमार शिक्षकों की मांग मानने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीएम नीतीश शिक्षकों की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद शिक्षक शांत हुए, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि वाम दलों के नेताओं ने शिक्षकों को धोखा दे दिया।